एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। लड़के का पिता गुस्से में बोला, क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? पिता गुस्से में बोले ही जा रहा था। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गया। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। एक घंटे बाद ऑपरेशन सफल रहा। ये सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे, वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसे डिस्चार्ज कब करेंगे? पर डॉक्टर जिस तेजी से आया था उसी तेजी से वापस जाने लगा और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने को कहा। लड़के के पिता ने नर्स से कहा, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है कि वो दो मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता? नर्स लगभग रुनासी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फोन किया था तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। ये सुन लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा सकते हैं जो हमारा ही भला सोच रहा।